शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। औरत माँ कहलाने के लायक नहीं है। आपको भी अपने डैडी की तरह औरतों से नफरत है? इसको प्यार का नाम देकर तुम इसे धोखा देना चाहते हो? किसको खोजे थो? मैं इससे पतला लेना चाहता हूँ। सब पेटियों में भी यही बंदूक है? यस सर। मैं तुम लोगों को ऐसी सजा दिलाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। ले चलो सबको। यस। मिस्टर कुमार, आपने जो कारनामा अंजाम दिया है उसने सिर्फ आपका ही नहीं हमारे सारे महकमे का नाम रोशन कर दिया है। थैंक यू वेरी मच। अरे हाँ मिस्टर कुमार, आपने अपनी इस कामयाबी की खबर अपनी मिसेस को सुनाई या नहीं? जी अभी तक नहीं। व्हाट, अभी तक नहीं? जाइए अभी टेलीफोन पर उनको ये खबर सुनाइए। सर मैं सोच रहा था कि ये खुशखबरी मैं खुद जाकर उसे सुनाऊं। वैसे भी मैं कई दिनों से घर नहीं गया, अगर आप इजाजत दें तो। ओह यस ऑफ कोर्स, होम फ्रंट की ड्यूटी भी तो इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है। सर इनका बस चले ना तो सारी जिंदगी भर वही ड्यूटी करते रहे। नो किडिंग मिस्टर सोनी। सर दिस इज करेक्ट, मिस्टर कुमार एक हाथ से तो रिवॉल्वर चलाते रहते हैं और दूसरे हाथ से अपनी मिसेज को लव लेटर लिखते रहते हैं। मिस्टर कुमार आप अपनी बीवी से इतना प्यार करते हैं? सर वो सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं, एक आदर्श औरत भी है। मैंने उसमें औरत का हर गुण देखा है, बीवी का प्यार, माँ की ममता, बेटी का लाड़, बहन का दुलार, उसके दम से मेरी दुनिया में सब कुछ है। सर मिस्टर कुमार मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि आप इस पत्थर जैसे सीने में भी एक मोहब्बत भरा दिल रखते हैं। आपको एक हफ्ते की छुट्टी दी जाती है। We'll be right back.
चले जाओ यहां से इसी वक्त इसी हालत में। Get out, you bloody bitch! ठहरो, हाथ मत लगाओ। मां कहलाने के लायक हो तो हाथ लगाना। मिसेस कुमार जरा बाहर आइए आइए ना। मिसेस कुमार मुझे अफसोस है मेरी वजह से आपको घर छोड़ना पड़ा। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। ये लीजिए। ये किस लिए? जब तक आप कोई नया घर तलाश नहीं कर लेती काम आएगी। क्या मिसेस कुमार जिस मकसद के लिए मैंने आपसे दोस्ती की थी वो मकसद पूरा हो चुका है। कौन सा मकसद? मेरे जरूरी कागजात और डॉक्यूमेंट्स आपके हस्बैंड मिस्टर कुमार के कब्जे में थे मैं हासिल कर चुका हूँ। ऐसा मत कहो रमेश मैं कहीं की नहीं रहूंगी कहीं की नहीं रहूंगी। रमेश? रमेश कौन रमेश? ये मेरा असली नाम नहीं है। मेरा नाम मेरा काम मेरा ठिकाना कोई नहीं जानता है और जो कुछ भी आप जानती हैं वो सब झूठ है। बाय बाय बाय। Thank you.
समय का चक्कर चलता रहा, मौसम करवट बदलते रहे, फिजां गुजरी, बहारें गुजरी, दिन बीते, रातें बीती, देखते ही देखते 17 साल बीते। इट्स अ मैटर ऑफ शेम, बड़े शर्म की बात है कि आप जैसे बहादुर, ईमानदार और मेहनती साथियों के होते हुए मुझे गवर्नमेंट से वार्निंग मिली है, उससे जवाब मांगा गया है। अब आप ही बताइए मैं क्या जवाब दूं? गवर्नमेंट सच्ची है, उसकी परेशानी बढ़ती जा रही है, हर रोज सैकड़ों कत्ल हो रहे हैं, क्योंकि गुंडों के हाथों में नाजायज पिस्तौलें और बंदूकें हैं, जिसकी मदद से वो हमारी पुलिस का मुकाबला करते हैं। और इसका जिम्मेदार कौन है? हम हैं, मैं हूं, आप हैं। हम आज तक इस बात का पता नहीं लगा सके कि खतरनाक हथियार कहां से आते हैं, कौन सा गैंग काम कर रहा है, उसका हेडक्वार्टर कहां है, उसका लीडर कौन है, उसकी शक्ल कैसी, उसकी उम्र क्या है। मैंने आप लोगों के भरोसे गवर्नमेंट से वादा कर लिया है कि जब तक इस गैंग को खत्म नहीं कर लेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। सर, हमारे भरोसे पर आपने जो गवर्नमेंट से वादा किया है हम उसे पूरा करेंगे। बड़े से बड़े खतरे का मुकाबला करना हमने आपसे सीखा है, हमें आपके इशारे का इंतजार। हुक्म दीजिए सर, हम अपनी जान की बाजी लगाकर फर्ज निभाएंगे। गुड, टर्म गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉयज, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। कमाल चला गया? यस बॉस। कलकत्ता की सप्लाई क्यों रोकती? सीआईडी के सख्त ताले की वजह से। बॉस, कुछ नए ऑफिसर आए हैं, उन्होंने तमाम रास्ते बंद कर रखे हैं। सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है बॉस। एक एक का पता लगाकर पहले उन्हें ऊपर सप्लाई करेंगे और फिर माल सप्लाई करेंगे बॉस। पहले इन्हीं को ठिकाने लगाना होगा बॉस। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, प्यार से। किसी का खून भी करो तो प्यार से, किसी से नफरत भी करो तो प्यार से। हरलाल, हरलाल, प्यारे लाल स्पीकिंग, इसको जल्दी से टाइप करके ले आओ। You mean झटपट? Yes. Okay, okay. We are in receipt of your letter dated 4th April 1969. We hereby inform you that the payment of the previous order has not been made by you. Therefore, we request you to do the needful and write in detail about your requirements. That's all. लीजिए। बहुत जल्दी टाइप कर दिया, मेरी आंखें और हाथ एक साथ काम कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। प्यारेलाल, ये कौन सा लेटर तुमने टाइप कर दिया? जो लेटर आपने टाइप करने के लिए दिया था वो लेटर लेके आओ। पढ़ो। आई एम सॉरी मिस्टर प्रकाश, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मैं सच बताऊं मिस्टर प्रकाश, यस, जरा आप उधर देखिए। उधर किधर? सामने वाली मेज के नीचे। ये क्या बता दीजिए, तुम्हें शर्माने चाहिए ऑफिस में ऐसी हरकतें करते हुए। आदत छोड़ दो मिस्टर प्यारेलाल, वरना सीधा जाकर बॉस से शिकायत करूंगा। ये आदत कभी नहीं छूटेगी मिस्टर प्रकाश, चाहे मैं फुटपाथ पर क्यों ना चला जाऊं। हमारी इस आदत से आप जैसे बहुत से लोगों का भला हो चुका है, आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। क्या आप बकते हो? मैं ठीक बकता हूँ,
एक दिन इसी कुर्सी पर मैं विराजमान था जहां की आप बैठे हैं। मेरी भी एक स्टेनोग्राफर थी, उस स्टेनो के प्यार के चक्कर में मिस्टर प्यारेलाल ऐसे गिरे कि खुद स्टेनो बन गए और गलती से ये कुर्सी आपको मिल गई। मिस्टर प्यारेलाल, अगर आपकी यही हरकतें रही तो एक दिन आप भी चपरासी बन जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, आई एम ए ग्रेजुएट। एक ग्रेजुएट को चपरासी बनाकर आप देश को बदनाम करना चाहते हैं इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड। टुडे यू नो वी आर सो बिग। गेट आउट, जाके काम करो। साहब, आपको बड़े साहब ने बुलाया। यस सर। बैठो प्रकाश। यस सर। मैं तुमसे बहुत खुश हूं प्रकाश। जितनी मेहनत से तुम आज काम कर रहे हो, मुझे उम्मीद है कि हमेशा तुम इसी तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहोगे। ये मेरी खुशकिस्मती है सर कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं। गुड। इस महीने से तुम्हारी सैलरी डबल कर दी गई है और आज से तुम इस कंपनी के मैनेजर हो। थैंक यू सर। यू कैन गो नाउ। थैंक यू वेरी मच सर। क्या बात है? बॉस, माल पहुंच गया है। ठिकाने लगा दो। डैडी। यस सन। डैडी, डैडी, अगर मैं आपको आज बहुत बहुत स्वीट खुशखबरी सुनाऊं तो आप मुझे क्या देंगे? रिश्वत, और वो भी पुलिस ऑफिसर से। जानते नहीं, रिश्वत लेना देना दोनों जुर्म है। आई एम वेरी सॉरी डैडी, मैं भूल गया था कि आप मेरे से डैडी नहीं बल्कि एक सीबीआई के ऑफिसर। दैट्स राइट माय बॉय। ना क्या रे, और बोलो क्या कुछ खबर? डैडी, मुझे प्रमोशन मिल गई है, आज से मैं कंपनी का मैनेजर हो गया। really? Yes, daddy. God bless you, my John. God bless you. Thank you very much, daddy. मुझे तुमसे बहुत बहुत उम्मीद है। भगवान करे तुम तरक्की के रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ते रहो और चुप चुप जियो। थैंक यू डैडी। बेटा, मेरी नसीहत तो याद है ना? नसीहत? इतनी जल्दी भूल गए? फिर सुनो, जिंदगी में सब कुछ करना लेकिन औरत पर भरोसा कभी मत करना। दुनिया में सांप के कांटे का इलाज है लेकिन औरत के कांटे का कोई इलाज नहीं। मैं आपकी नसीहत कभी नहीं भूलूंगी। मुझे तुम पर नाज़ है। हेलो बॉस, मैं जेरी बोल रहा हूं। क्या बात है? बॉस, सारा माल पकड़ा गया। कैसे? शायद किसी ने पुलिस को खबर कर दी थी। मैं खुद बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूं। कहां से बोल रहे हो? 311 से। कोई बात नहीं। जा रहे हो? जरा बाहर जा रहा था। आइए। विस्की। आज तुम्हारे बचने की खुशी में हम दोनों एक साथ पिएंगे, प्यार से। लो, लो। चेयर। Thank you.
आशु तुम अभी तक तैयार नहीं हो। अरे ये क्या? राइफल और बंदूक का बिजनेस करने वाले एक छोटे से रिवॉल्वर से डर गए। मैडम ये छोटा सा रिवॉल्वर किसी की जान भी ले सकता है। जल्दी कीजिए, हमारे बिजनेस में दो मिनट की देर सारे धंधे को चौपट कर सकती है। बॉस का कहना है टाइम इज मनी। बॉस? आपका भी कोई बॉस है क्या? अरे मेरे जैसे 15 बॉस उसे एक बॉस के नीचे काम करते हैं। मैं तो सिर्फ कलकत्ते के बिजनेस की देखभाल करता हूँ। लेकिन आपके बॉस को कभी देखा नहीं? बगैर बॉस की मर्जी के उसे कोई नहीं मिल सकता। कभी मौका मिला तो तुम्हें जरूर मिलवा दूंगा। लो ये गाड़ी की चाबी, माल भर दिया है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। बोलो सरदार। कलवा जी 50 बंदूकें आई हैं, जिन साथियों के पास नहीं है उनमें बांट दो। बहुत अच्छा सरदार। ये आपके लिए है। लगता है नई नई इस धंधे में आई हो। क्या नाम है तुम्हारा? मतलब की बात करो। गिन लीजिए। कोई जरूरत नहीं, एक चोर दूसरे चोर से बेईमानी नहीं कर सकता। सरदार बड़ी दिल वाली औरत है, इसीलिए तो इस धंधे में है। गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रकाश। गुड मॉर्निंग प्यारेलाल। ये क्या है? ये क्या प्रेम शास्त्र पहनकर आए हो? ये नया डिजाइन है, जवान लड़के लड़कियों में बहुत पॉपुलर है आजकल। औरतें ही औरतें, तीन ये दफ्तर है बाजार नहीं। कल से ऐसे कपड़े पहन के नहीं आओगे, समझे? क्यों, आपको भी अपने डैडी की तरह औरतों से नफरत है? साहब आपको बड़े साहब ने घर पे बुला रहा। मिस्टर जैम्पर जी, वो आज मुझे फिर देख रहा है। आज मैं इसे देख लेता हूं। मिस्टर प्यारेलाल। बोलिए मिस्टर चंपकलाल। आपको शर्म नहीं आती? मुझे क्या नहीं आती? मैं कहता हूं हर वक्त आप मेरी स्कैनों को क्यों घूरते रहते हैं? क्या करूं, मेरी आंखें बहुत खराब है। इलाज करवाइए। वक्त नहीं है, मैं बिजी मैन, डोंट यू नो। एक दिन आप जरूर जेल जाएंगे। मुझे कोई इतराज नहीं है, अगर आपकी स्टेनो मेरे साथ चले तो मजा आ जाएगा। अब मैं आपको क्या कहूं? अपना सौतेला भाई। साहब घर में है? साहब अंदर बैठे हैं। अरे सुनो तो सही, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे रास्ता तो बता दो। ऊपर लिफ्ट में जाओ बाबू। लिफ्ट में? लिफ्ट 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 में? हाँ, पढ़े लिखे लगते हैं। सुनो बाबूजी, लिफ्ट में जाकर रेट में घुसकर सीधे होकर लिफ्ट में चलकर रेट वाले कमरे में घुस जाना, समझ गए बाबूजी? हे भैया जी, मेरे साथ चलिए ना आप भी। क्षमा कीजिए बाबूजी, इस वक्त हम जिस हालत में हैं नहीं चल सकते। क्यों, क्या बात है? बताने की बात नहीं है।
कौन हो तुम? आए से हुआ यू? बोलते क्यों नहीं? ये क्या बकवास है? तुम ऐसे मुंह नहीं खोलोगे, अभी नौकर को बुलाती हूँ। आपका नौकर? व्हाट नौकर? योर नौकर, उसने तो मुझे यहाँ का रास्ता बताया था। क्या मतलब? जी हाँ, मैं तो साहब से मिलने आया था, नीचे नौकर से पूछा तो उसने बताया मुझे कि ऊपर जाकर राइट में घूमकर लेफ्ट में चलकर राइट के लेफ्ट के कमरे में अंदर घुस जाना। आप उन्हीं की बहन है ना? सो व्हाट? करेक्ट, वेरी गुड, आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठो। थैंक यू सर। सर ये क्या हुआ सर? एक्सीडेंट। ठीक हो तो दो तीन दिन लग जाएंगे। तुम जरा दफ्तर को संभाल लेना और तमाम कागजात साइन करवाने के लिए यहीं ले आया करो। वेरी फाइन सर। अरे ये तुम्हारे कपड़े कैसे भीगे? सर वो जरा पानी गिर गया था। पानी इतनी सी जगह? बहुत जल्दी पी रहा था। जल्दबाजी ठीक नहीं है प्रकाश। यू करेक्ट सर, तुम जा सकते हो। ओके सर, थैंक यू। वंडरफुल, एक्सलेंट, निशाना तो बहुत पक्का है। बगैर शिकार के निशाना किस काम का? हुजूर हम तो कब के शिकार हो चुके हैं, अब क्या चाहते हो? मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूं। बोलिए क्या काम है? आशु क्या बात है, हम लोग जब से कलकत्ते से आए तुम्हारा मूड कभी ठीक नहीं रहता। बॉस ये वही शहर है जहां आज से 17 साल पहले मैंने अपना सब कुछ खो दिया था। पति का विश्वास, माँ की ममता, औरत की इज्जत, घर की लाज। एक हवस के पुजारी ने मेरा सब कुछ छीन कर मुझे ठोकर मार दी। मैं पति और बच्चे से तो मिल नहीं सकती क्योंकि मैं औरत जात को बदनाम कर चुकी हूँ और ममता का गला घोट चुकी हूँ। अब तो सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी है, जब तक इस रिवॉल्वर की तमाम गोलियां उस दगाबाज के सीने में उतार नहीं दूंगी चैन से मर नहीं सकूंगी। मुझे उस जहरीले सांप की तलाश है जिसने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया। जब से मैं यहां आई हूं दिन रात मेरी आंखें उस शैतान के मनुसाय को ढूंढने की कोशिश करती रहती हैं, जिसने मुझे घर से बेघर कर दिया, मुझे कहीं का न रखा, कहीं का न रखा। आशु भूल क्यों नहीं जाती ये सब बात? हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, अपना घर बसाएंगे। घर? एक गिरी हुई औरत क्या किसी का घर बसाएगी बॉस? मैं जानती हूं तुमने मुझे खुदकशी करने से बचाया था। जिस दिन मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा उस दिन तुम भी मेरे बदनाम जिस्म से एक और बदला ले लेना। गाड़ी तैयार है, माल भर दिया। जाने, 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 आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी अनमोल चीज लाया हूं जिसे देखते ही तुम झूम उठोगी प्यार से। जरा हम भी तो देखें प्यार से। चांद की तरह चमकने वाले इस बदन पर सिर्फ एक ही चीज की कमी थी जिसे हमने आज पूरा कर दिया। कौन सी कमी? चांद को कौन घेरे रखते हैं? सितारे। आओ। ये
हीरो का ड्रेस। ये सितारे तोड़ लाया हूँ अपने चांद के लिए। लो जरा पहन लो। लाइए। ऐसे नहीं, पहले ये ड्रेस उतारो। यहीं पर? अपनों से क्या पर्दा, जरा हम भी तो देखें इस शानदार बदन पर ये बेजान नगीने कैसे लगते हैं। नशा नहीं शराब में जो तेरे शबाब में। प्यासे सनम मेरी तन का शीशान तोड़ दे, थोड़ा सनम मेरी दिल की शीशे में छोड़ दे। ऐसे नहीं लूटो मुझे प्यार से तारा तारा तारा। प्यासे सनम मेरे तन का शीशान मैं तो खुद ही लुट चुका हूं प्यार से।
कहाँ हो बाबूजी? किसको खोजत हो? अरे भैया जी तुम, हम तो तुम ही को ढूंढत है। काहे को बनावत हो बाबूजी? हमका सब मालूम है। क्या? तन नीचे मन ऊपर। भैया जी तुम तो बहुत काम के आदमी हो, जरा इधर आना। खास बात है नहीं, बहुत जरूरी काम है भैया जी। तुम किरण मेम साहब के कमरे में दिन में कितनी बार जाते हो? पांच छह बखत तो पानी पिलाना ही चले जाए थे। अच्छा भैया जी, ये लो 10 का नोट और किरण मेम साहब के सामने मेरी जरा जोरदार तारीफ कर देना। भैया जी अगर तुमने मेरा ये मामला जमा दिया ना तो हम तुमको बहुत खुश रखेगा। फिंगर नॉट बाबू जी, हम अभी उनका ब्रेकफास्ट लेकर जाते हैं। अच्छा, मामला जमाने का काम आज से ही चालू है। लेकिन भैया जी शुरुआत कैसे करोगे? वो हम सब जानत है। उधर मैम साहब ने टोसट पर मक्खन लगावा, इधर हमने उनको मक्खन लगावा। उधर उन्होंने आमलेट का ढक्कन उठावा, इधर हमने उनके दिल का ढक्कन उठावा। और उधर उन्होंने चाय में चीनी डाली, इधर हमने चाय में प्यार की गोली डाली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैशन नॉट, मैशन नॉट, इट्स ऑल राइट। मैम साहब ब्रेकफास्ट लग गया। भैया जी आज टोस्ट पे मक्खन तुम ही लगा दो। क्या कहा? टोस्ट पे मक्खन हम ही लगाएंगे? हाँ, और ये ऑमलेट का ढक्कन भी तुम ही उठा दो। ऑमलेट का ढक्कन भी हम उठाए दें? हाँ भैया जी, और चाय में चीनी भी तुम्हें मिला दो। चाय में चीनी भी हम मिला दें? हाँ हाँ, क्या बात है भैया जी, तुम इतने घबरा क्यों गए? अरे तुम तो बड़े काम के आदमी हो, ये लो 30 रुपए। 30 रुपए? काहे के 30 रुपए? कल सुबह जब प्रकाश बाबू आए तो उनके सामने जरा मेरी जोरदार तारीफ कर देना। अगर तुमने मेरा मामला जमा दिया तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगी भैया जी। मारे गए भैया जी? मारे नहीं, पकड़े गए। इडियट, गेट आउट। यस सर, किशन रिपोर्टिंग। शूट। सर उस गैंग के एक आदमी को मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया है। What? Yes, sir. बंदूकों और गोलियों के दो बक्स भी मेरे कब्जे में हैं। Well done, my boy, well done. लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये लोग बहुत चालाक होते हैं, मौका पाते ही अपने आप को खत्म कर लेते हैं ताकि हमारे हाथ कुछ नहीं लगे, समझे? बी अलर्ट माय बॉय, बी अलर्ट। यस सर, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा। गुड लक माय बॉय। जी साहब। शेखर साहब, धवन साहब को फौरन बुलाओ। जी साहब। Come in, come in, come on in, come on in. Good news, my boy. It's very good news. किशन ने उस गैंग के एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। Oh, wonderful, sir. और वो अभी अभी यहाँ पहुंचने ही वाला है। Congratulations, sir. Thank you very much. अब हमें उसके पेट से हर राज निकालना होगा। It will be done. That's my boy. फटाफट तैयारी करो। फौरन। That's my boy. Damn good. भला पकड़ा गया। कहाँ पर? आगरा रोड पर। आगरा रोड पर। कोई बात नहीं। सड़क के बीच में क्यों चला रहा है? पागल गई।
बात है क्या? अव्वल तो आज तक मेरा कोई आदमी पकड़ा ही नहीं गया। तुम पकड़े भी गए तो रंगे हाथों, इसलिए तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। चलो बात करनी है। और कौन बात बाकी है का? भैया जी हमार नौकरी पे हान बनी तो का मजाक सुझा थे? अरे भैया जी का हुआ क्या आखिरा? का बताए बाबू, हम पकड़ गए तो का तीन लोट हम पकड़ बाबू गए। खाना लगाऊं? खाना लगाऊं सर? छोटे साहब आ गए? जी हाँ, छोटे साहब तो कब का खाना खा के सो भी चुके। ठीक है, मुझे भूख देंगे।
दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कौन है वो लड़की? मैं पूछता हूं कौन है वो लड़की? किसने तुम्हारी ये हालत बना दी? जवाब दो। है एक लड़की। कौन है वो लड़की और क्या तलक है तुम्हारा उससे? डैडी मैं वो जबान क्यों नहीं खुलती? क्या कोई नाजायज तलक है? नहीं डैडी, मैं उसे प्यार करता हूं। क्या कहा? तुम उस लड़की से प्यार करते हो? हाँ डैडी। मेरी नसीहत का यही असर हुआ तुम पर? बाप तो औरत की परछाई से दूर भागता है और बेटा औरत के आंचल में सितारे सजाने की बात करता है। अगर यही करना था तो उसने नहीं कहने की क्या जरूरत थी कि मैं आपकी नसीहत को हमेशा याद रखूंगा डैडी? अगर बाप होने के नाते आपको ये पूछने का हक है डैडी, तो एक बेटे की हैसियत से मुझे भी ये पूछने का हक है कि आप औरत जात से इतनी नफरत क्यों करते हैं? जवाब दीजिए डैडी। अगर औरत ना होती तो आप ना होते, मैं ना होते, ये दुनिया ना होती। डैडी, क्या आपने कभी किसी औरत से प्यार नहीं किया? अपनी माँ से, मेरी माँ से? तुम्हारी माँ से जितना प्यार मैंने किया है शायद किसी ने किसी से नहीं किया होगा। जिंदगी में क्या था जो मैंने उसे नहीं दिया? उसका सुख मेरा सुख था, उसकी खुशी मेरी खुशी थी। मेरी दुनिया में जब चांद निकलता था तो उसका मुखड़ा देखकर, सूरज उभरता था तो उसका नाम लेकर मैं समझता था कि उसके दम से घर घर नहीं मंदिर है। मैं उसे देवी समझता था और देवी समझकर उसकी पूजा करता था। लेकिन लेकिन क्या डैडी? जानते हो उसने मेरे प्यार और मेरी पूजा का मुझे क्या फल दिया? क्या किया मेरी माँ ने? क्या नहीं किया जलील औरत ने? मत कहो उसे माँ, तो औरत माँ कहलाने के लायक नहीं है। डैडी, उसने मेरे साथ बेवफाई की और अपने मुंह पर कालक थोपने से पहले यह भी नहीं सोचा कि उसका एक नन्ना मासूम बच्चा भी है। भी तुम उस लड़की से प्यार करते हो? हाँ डैडी, ये जरूरी नहीं कि दुनिया की हर औरत मेरी माँ जैसी हो। अगर तुम्हारी माँ बेवफाई कर सकती है तो दुनिया की हर औरत हर मर्द के साथ बेवफाई कर सकती है। कौन है वो लड़की? मेरे बॉस की बहन है। और बॉस को मालूम है? मैं नहीं जानता डैडी। कौन साहब बात कर रहे हैं? आपको कौन चाहिए? मैं मोहन साहब से बात करना चाहता हूँ। यस स्पीकिंग। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपकी बहन आपकी ही कंपनी के मैनेजर प्रकाश से प्रेम करती है। आपकी तारीफ? मैं कुमार बोल रहा हूँ। कुमार? सीबीआई ऑफिसर कुमार, और इत्तेफाक से प्रकाश मेरा ही बेटा है। किरण भैया, क्या?
क्या बात है भैया? अभी तक सोई नहीं? नॉवल पढ़ रही थी। अच्छा अच्छा, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। चलो जरा बैठे, बैठो। किरण, इतनी दौलत, इतनी जायदाद और इतने बड़े कारोबार का क्या फायदा है जब हमें अपनी प्यारी प्यारी बहन से मिले हुए कई कई दिन गुजर जाते हैं। भैया किरण, मैंने आज तक तेरी हर खुशी को पूरा किया है, तेरी छोटी सी छोटी ख्वाहिश का भी ख्याल रखा है ताकि तुझे कभी पिताजी की कमी महसूस ना हो। अरे जानती है, कई लोग तो तुम्हें मेरी बेटी ही समझते हैं। लेकिन लेकिन क्या भैया? आज मैं ये सोचकर परेशान हो गया कि लड़कियां तो माँ बाप के घर में सिर्फ मेहमान की तरह होती है। भैया मैं चाहता हूं मेरी बहन सारी जिंदगी सोने और चांदी में खेले, इसीलिए मैंने अपनी प्यारी बहन के लिए एक राजकुमार को ढूंढ लिया है। राजकुमार? जिस नाज़ो नखरे से हमने तुम्हें पाला है ना, सिर्फ वही राजकुमार हमारी नन्ही सी गुड़िया की हर तमन्ना को पूरी कर सकता है। भैया अरे शर्मा गई पगली। भैया आपने मुझे हमेशा सच बोलने को कहा है ना? बिल्कुल। मैं कुछ कहूँ आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने आज तक तेरी किसी बात का बुरा माना है जो आप मानूंगा? बोल क्या बात है। भैया भैया मैंने अपना साथी चुन लिया। वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कॉलेज में साथ था? नहीं भैया। तो फिर कौन है? हमारी कंपनी का मैनेजर प्रकाश। क्या प्रकाश, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया किरण? क्यों भैया? 400-500 टके पाने वाला मामूली नौकर, जो तुमने सोच कैसे लिया? इसमें क्या बुरी बात है, आप ही ने तो उसे काबिल समझकर तरक्की दी है। रही पैसे की बात, आपके पास किस बात की कमी है? तुम समझती हो मैंने जिंदगी भर की कमाई उस 2 टके के आदमी के लिए जमा कर रखी है? वो 2 टके का आदमी नहीं है भैया। हमारे सामने उसकी हैसियत ही क्या है? वो एक इज्जतदार, मेहनती और ईमानदार आदमी है। क्या बात कर रही हो किरण, तलाश भी किया तो किसे तलाश किया, चुना भी तो किसे चुना? गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर प्रकाश, आपकी तनख्वाह कितनी है? जी 700 रुपए। क्या 700 में आपका गुजारा नहीं होता? बहुत अच्छी तरह से होता है सर। फिर आपने मुझसे बेईमानी क्यों की? बेईमानी? मैंने कोई बेईमानी नहीं की सर। तो फिर आपकी नजर मेरी सारी दौलत पर क्यों है? ये झूठ है सर। ये सच है, किरण मेरी सबसे बड़ी दौलत है, मेरे खानदान की इज्जत है। तुम उस मासूम को सबज बाग दिखाकर मेरी सारी दौलत हड़प करना चाहते हो? हाथ मिलाया तो बाजू पकड़ लिया, घर बुलाया तो घर पर ही कब्जा करने लगे। सर ये ठीक है कि मैं आपके पास नौकरी करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैंने अपनी जिंदगी भी आपके पास गिरवी रख दी। तुम्हारी जैसी हजारों जिंदगियां हर रोज चौराहे पर बिकती हैं, तुम्हें ये जरूरत कैसे हुई कि मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखो? क्या अपनी औकात नहीं जानते? कहां जमीन कहां आसमान। आपको तो शायद खिड़की से झांकने की भी फुर्सत नहीं मिलती होगी सर। जहां जमीन और आसमान मिलते हैं वो नजारा दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा कहलाता है सर। इतना अच्छा भाषण देना कहां से सीख लिया तुमने? जख्म पे उंगली रखेंगे तो कोई भी चीख उठेगा। गुड वेरी गुड, कल तक तो मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से खुश था, आज तुम्हारी दिलेरी और साफ गोई ने मेरा दिल जीत लिया है। किरण भी तारीफ के काबिल है जिसने तुम्हें चुना है। आई लाइक यू बॉय, आई लाइक यू। सर मुझे माफ कर दीजिएगा, आज पहली बार आपके सामने मेरी जबान खुली है। कोई बात नहीं। मेरे यार दिलदार, जो न हो जो ना
तेरे जान जान, तेरे बिना जाने हम कहां। पलकों से मुझे मिली है छाया मोहब्बत की, हो इन होठों का रस जो मिला घूमने लगी जिंदगी। मैडम, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? इस दुनिया से छुपकर प्यार नहीं, गुनाह किया जाता है। हवस को प्यार का नाम देकर तुम इसे धोखा देना चाहते हो। तुम मर्दों ने हमेशा औरतों को इसी तरह से धोखा दिया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, गोली मार दूंगी। कुसूर मेरा है, इनका कोई दोष नहीं। पागल लड़की, यही तो औरत की कमजोरी होती है। मुझे देख, मैं भी इस मंजिल से गुजर चुकी हूं। जिस कमीने को मैंने फूलों की खुशबू दी, कलियों का रस दिया, जवानी की बहारें दी, उसी कुत्ते ने मेरी जिंदगी में जहर खोल दिया।
याद रख, एक बार ठोकर खाने के बाद औरत हमेशा ठोकरें खाती रहती है। हमें माफ कर दीजिए, हमारे कदम बहक गए थे। कैसी है मेरी बासंती? अरे रूप तो सही। क्यों? बेटे शादी से पहले लड़के लड़की का मेलजोल अच्छा नहीं होता। ओह नो आंटी प्लीज। तनख्वाह मिल गई? तनख्वाह शाम को मिलेगी। शाम को मिलेगी? हाँ। अच्छा तो तुम रात को आना 9:30 बजे। 9:30 बजे? हाँ हाँ, अभी तुम जाओ, मोहल्ले वाले बुरा समझते हैं, जाओ। क्यों? मैं कोई गुंडा? शादी से पहले लड़के और लड़की को अकेले में नहीं मिलना चाहिए। बसंती तनख्वाह मिल गई? आज शाम को मिल जाएगी। शाम को? हाँ। अच्छा तो तुम रात को 9:30 बजे मिलना, समझे? 9:30 बजे? तुम दिन में यहाँ मत आया करो, मोहल्ले वाले बुरा मनाते हैं। ओहो अब तुम जाओ। हाँ मैं जाता हूँ, मैं रात को आऊंगा 9:30 बजे। ये तूने क्या किया बसंती? क्या हुआ माँ? मैं तो इसके प्यारे को भी भुला चुकी, रात को 9:30 बजे अब क्या होगा? वेरी गुड, 8:30 बज गए। 8:30 बज गए, अब सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया है। घंटा? कैसा घंटा शर्मा जी? अरे प्यारे 9:30 बजने में 1 घंटा बाकी रह गया है। 9:30? हाँ। चलिए शर्मा जी, अब आप आराम से सो जाइए। आज मेरा जी चाहता है कि मैं आपके पांव दबाकर आपको हमेशा के लिए सुला दूं। पांव कल दबा लेना प्यारे, आज तो मेरा जी चाहता है कि मैं तुझे लोरी गाकर सुलाऊं। उठ उठ मेरे प्यारे, मेरी आंखों के तारे, मेरे घर के उजियारे, उठ उठ उठ। ओ मैं उठ सुला चल प्यारे, सोजा। शाबाश 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 प्यारे, सोजा मेरे राज दुलारे, सोजा मेरे राज दुलारे। बस करिए शर्मा जी बस करिए, क्यों अपने टॉन्सिल खराब कर रहे हैं, आप जाके सो जाइए। बात यह है आजकल मुझे रात में जागने की बीमारी हो गई है। अरे तो प्यारे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैं तेरा कष्ट अभी दूर किए देता हूँ। ये ले ये ले, ये 4 गोलियां खा ले और तुझे आराम की नींद आ जाएगी। चल ले। गोलियां? हाँ। अरे शर्मा जी गोलियां तो आदमी बुढ़ापे में खाता है, आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप ही खा लीजिए। और फिर मैं तो अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। 9 बज गए, कोई बात नहीं, चलो बेटा जिद नहीं करते, तो खाओ खाओ प्यारे खाओ खाओ खाओ। शर्मा जी ऐसा करिए, 2 गोली आप खाइए, 2 गोली मैं खाता हूँ, दोनों का भला हो जाएगा। अरे बाबू सुन प्यारे, मैं नहीं खाता। पहले आप खाइए खाइए खाइए, लीजिए लीजिए। देखिए मैं आपको इनकार न कर सकी, कुछ लोग आने वाले हैं, हो सके तो जरा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी चला जाऊंगा। अच्छा नमस्ते जी। हा? आओ तुम भी आओ। किधर किधर? अरे इधर चलो ना। उधर नहीं इधर, बसंती तैयार हो रही है, तुम यहाँ बैठो, बाहर नहीं निकलना। अरे चुप रहो ना। ह
हेलो आंटी, मैं आ गया हूँ। आओ आओ प्यारे लाल बेटे, चलो जल्दी चलो। बसंती तेरे लिए खास तैयार हो रही है, तुम इधर बैठो, मैं अभी उसे लेके आती हूँ। वाह वाह वाह, बड़ी खुशी की बात है। उसे कहिएगा सेंट लगा के आए, फौरन आए। और आप जरा आराम करिए। अंदर जाओ ना तुम पहले। नोट कहाँ है इंस्पेक्टर? नोट इसके पल्लू में बंधे हुए, ले चलो इन दोनों को। हाँ हाँ चलती हूँ चलती हूँ, छोड़ दो हाथ। अरे तू यहाँ, शर्मा जी आप यहाँ, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो आपको लेने आया हूँ, मोहल्ले वाले आपको याद कर रहे हैं। यस सर। शेखर, धवन के हाथ एक ऐसा डॉक्यूमेंट लगा है जिसकी मदद से हम दुश्मनों का पता लगा सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट एक ऐसा कागज है जिस पर कोड वर्ड्स में कुछ लिखा हुआ है। लेकिन इस बात का क्या सबूत है सर कि उस कागज में कोई राज छुपा है? जिस आदमी के पास वो डॉक्यूमेंट मिला है उसने आखिरी सांस तक उस कागज को बचाने की कोशिश की। मरने वाले को अपनी जान से ज्यादा उस कागज की परवाह थी। तब तो मिस्टर धवन ने बहुत बड़ा काम किया सर। और वो कल सुबह एक्सप्रेस गाड़ी से यहाँ पहुंच रहा है। दुश्मन के हाथ बहुत लंबे हैं सर, और मिस्टर धवन का सफर भी बहुत लंबा है। मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि हर स्टेशन पर हमारे आदमी धवन से मुलाकात करेंगे। तुम तैयार है ना? मैं कल सुबह खुद स्टेशन पर चलूंगा। ओके सर। खिला गया जाल बिछाए खड़ी बहार, और मुसाफिर संभल के चल, देख समा क्या रहा पुकार, प्यार कहीं मंजिल ना भूल जा। ए राह में कलियां खिला के यार, जाल बिछाए खड़ी बहार, और मुसाफिर संभल के चल, देख समा क्या रहा पुकार, प्यार कहीं मंजिल ना भूल जा। देखन में लग रहे नदा, लेकिन मन में जहर भरे। ये दुनिया है रे बाबरे, है कितने हम सफर तेरे, देखन में लग रहे नदा, लेकिन मन में जहर भरे। जान के सबके दिलों का राज, और लटकाए गले में साथ, गीत यही मस्ताना गुनगुनाए। खबर जिन्हें हम वो राही नशे में चूर, माफ करे जो मुझे हुजूर, बात में इतनी कहूँ जरूर, राह की सारी खबर जिन्हें हम वो राही नशे में चूर, करके इरादा जिधर चले, जीवन गाड़ी उधर चले, समय का पहिया उल्टा घूम जाए। La 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 la
पे उलट दो उसी का दाव। आ गई मंजिल तो मिल के आओ, खंजरी थामो सितार उठाओ, दाव जो तुमसे चले कोई उस पे उलट दो उसी का दाव। जो कोई रोके तेरी डगर उसका फंदा उसी के सर, क्यों चकरा दे रास्ता भूल जाए। La 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 pa 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 la 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 pa 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 la 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 pa 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 la 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 pa 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 pa। दुश्मन इतना चालाक है कि उसने डॉक्यूमेंट छोड़ा नहीं होगा। दुश्मन कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन मेरे साथियों से ज्यादा समझदार नहीं हो सकता। धवन जान दे देगा लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा। हमारी सूझबूझ का ताल्लुक है, सारे लेटर में से हम सिर्फ दो अल्फाज को समझ सकें, 11 तारीख और जहाज। 11 तारीख जहाज। छोटा माल नहीं बेचता है, तुम्हारा सेठ को मालूम है। ये देखो, कैसा है? ठीक है। तुम्हारा माल कैसा है? हबीब सेठ, हमारे मुल्क में ये सबसे बड़ी अफीम है, जो पेटी खोलोगे यही अफीम मिलेगी। लेट मी टेस्ट। वाई नॉट, वाई नॉट। वेरी गुड, वेरी गुड। हैंड्स अप। की तो गोली मार दूंगा। मारो, मारते क्यों नहीं? रुक जाओ, मैं कह रहा हूं मारो ना। आ! आ!
तुम किसको यहाँ गन सप्लाई करते थे? क्या नाम है उसका? कहाँ रहता है वो? मुझे मालूम। तुम खुदा के पास जा रहे हो, मरते वक्त तो कुछ भलाई का काम करते जाओ। हजारों आदमी तुम्हें दुआएं देंगे, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि उस आदमी का डाका है। बोलो, खुदा के वास्ते कुछ बोलो। अव्वल तो हबीब की जबान खुलेगी ही नहीं, अगर खुल भी गई तो उसे मदन के अड्डे के सिवा और कोई अड्डा मालूम नहीं। तुम मदन को फौरन चुकाना कर दो। ओके बॉस। अभी जान बाकी है। बेचारा तड़प रहा है, मुझसे देखा नहीं जाता। कहाँ है वो? बाहर गाड़ी में। प्लीज जल्दी कीजिए डॉक्टर। चलिए प्लीज। जिसे मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है बेटा, तुम जल्दी आ जाओ। जेंटलमैन, आज आपको एक नई जिंदगी मिली है। थैंक यू डॉक्टर। डैडी, डैडी, ये सब क्या हो गया डैडी? घबराओ नहीं बेटा, भगवान का शुक्र है उसने मुझे बचा लिया। थैंक गॉड डैडी। जेंटलमैन, शुक्र तो आप उस औरत का मनाइए जो आपको फौरन यहां ले आई। औरत? हाँ डैडी, मुझे भी एक औरत ने फोन किया था। डॉक्टर साहब अब कहाँ है वो? शायद बाहर है। साहब चाय। ये चार कप किस लिए? भूल गया साहब,
बरसों से चार कप बनाने की आदत पड़ गई है, इसलिए कभी कभी भूल जाता हूँ। सुंदर, मुझे फख्र है उन तीनों पर, उन्होंने अपना फर्ज निभाते हुए जान दी है। हर ऐसे लोग मर के भी नहीं मरते सुंदर, शहीद कहलाते हैं, शहीद। आप बड़े आदमी हैं, इसलिए आपके विचार भी बड़े हैं। मैं छोटा हूं, क्या करूं? जब खाली कुर्सियां देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मेरे तीन जवान बेटे छोड़कर मुझे चले गए। सुंदर, शहीदों की मौत पर रोना बदशुगनी होती है सुंदर, उनकी आत्मा को तकलीफ होगी, रो मत। साहब, मेरी एक बात मानेंगे? क्या? ये नौकरी छोड़ दीजिए साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये नौकरी छोड़ दीजिए। भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया। सुंदर, क्या तुम चाहते हो कि मैं मौत से डर के अपने फर्ज से मुंह मोड़ लूं, उन बदमाशों गुंडों लुटेरों को अपना देश बर्बाद करने के लिए खुला छोड़ दूं? नहीं सुंदर, नहीं। हम लोग सिपाही हैं और तुम एक सिपाही को प्यार में फंसा कर बुजदिली का सबक सिखा रहे हो? नहीं सुंदर, नहीं। हम लोग जिंदगी मौत अपना पराया कुछ नहीं जानते, फर्ज के लिए जीते हैं और फर्ज के लिए मरते हैं। आपने मुझे बुलाया सर? तुम्हारे डैडी कैसे है? आपके दो से डैडी बच गए। बच गए? हाँ सर, बहुत दिनों से कुछ बदमाश डैडी के खून के प्यासे हैं, लेकिन डैडी भी इतने जिद्दी हैं, वो कहते हैं कि उनको पकड़ने के बाद ही दम लेंगे। ऐसे लेकिन इस पर डैडी का बचना बहुत मुश्किल था सर। वो तो एक औरत थी, एक शरीफ औरत, जिन्होंने डैडी की जान बचा ली। कौन है वो औरत? मैं कहता हूँ कौन है वो औरत, कहाँ रहती है, मदर के साथ क्या ताल्लुक था उसका, क्या काम करती थी? उस औरत का जिंदा रहना हम सबके लिए खतरनाक है, जब तक वो नहीं मिलेगी हम सब लोग खतरे में हैं। फौरन उसका पता लगा। ओके बॉस। तुम्हारी ये बंदूकें मेरे पढ़ते हुए कदम नहीं रोक सकती। मैं तुम लोगों की तरफ पुश्तिल नहीं, तो मौत के डर से अपने रास्ते से हट जाऊं। तुम क्या समझते हो, मेरे मर जाने से ये खेल खत्म हो जाएगा? मेरा खून बहाकर तुम लोगों ने अपनी मौत को दावत दी है। प्रकाश, क्या हुआ डैडी? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। आप परेशान हो और मैं सो जाऊं, क्या मुझे नींद आ जाएगी? मेरी परेशानी से तुम्हें क्या वास्ता? डैडी, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? अगर तुम मेरे बेटे होते तो मुझसे ज्यादा किसी और से प्यार नहीं करते। डैडी, आप मुझे इतना खुद का समझते हैं? आप हुक्म दीजिए, प्यार तो क्या आपके लिए जान तक कुर्बान कर सकता हूं। बेटे। हाँ डैडी, कृष्ण ज्ञान योगी थे, अर्जुन कर्म योगी था, इसी तरह आप मेरे ज्ञान योगी बन जाएं, मैं कर्मयोगी बनना चाहता हूँ। क्या बात है डैडी, आखिर आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटे, तुम तो जानते हो कि आज मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, उस देशद्रोही की खोज जो इस गन रैकेट का जिम्मेदार है। एक एक करके मेरे तीनों साथी उस जालिम का शिकार बन गए, मेरे दोनों हाथ कट गए, मेरी कमर टूट गई, लेकिन मैं उसे अभी तक नहीं पकड़ सका। मैं जानता हूं सब उसका निशाना मैं हूं, मैं, मुझे मरने की परवाह नहीं। दुख तो सिर्फ इस बात का है, अगर उस शैतान को कानून के हवाले करने से पहले मैं मर गया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होगा डैडी, आज से आप अकेले नहीं, मैं भी आपके साथ हूं। सच? हाँ डैडी। काश तुम्हारी इस बात ने मुझे नई जिंदगी दी है, अब तो मैं अंधेरे में भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। अब दुश्मन मेरे हाथ से नहीं बच सकता, पुलिस चारों तरफ फैल चुकी है उस औरत का पता लगाने के लिए जिसने मेरी जान बचाई थी। बस ये है वो औरत। कलकत्ते में मदन के साथ काम करती थी,
कुछ दिन पहले जब आपने मदन को यहाँ बुलाया था तो मदन इसे भी अपने साथ ले आया था। कहाँ रहती है? पार्क लेन में। यही गाड़ी थी? जी हाँ डैडी। आई श्योर? डेफिनेटली। दैट्स फाइन, कम ऑन सर। साहब है? साहब तो यहाँ कोई नहीं रहते, अकेले एक मैम साहब रहती है। मैम साहब? मैम साहब से कुछ कहना है? हाँ, उनसे कहिए कि सीबीआई ऑफिसर मिस्टर कुमार आए। बहुत अच्छा, आइए आइए, बैठिए आप लोग, मैं अभी बुला के लाता हूँ। आपको मुझसे मिलना है? नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते, बैठिए। आप ही मिसेस शर्मा? जी हाँ, कहिए क्या बात है? आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं। जी दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। उस दिन आपने खूनियों से मेरी जान बचाकर कानून की जो मदद की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपका बयान भी लेना चाहूंगा। आप वहां कैसे पहुंची? वो लोग कौन थे, कैसे थे, कितने थे, और मुझ पर गोली किसने चलाई? अगर आप ये सब बातें मुझे बता दें तो हमारा उन खूनियों को गिरफ्तार करना काफी आसान हो जाएगा। माफ कीजिएगा मिस्टर कुमार, मेरी समझ में तो आपकी एक बात भी नहीं आई। ना तो मैंने आपकी जान बचाई और ना ही मैंने किसी को आप पर गोली चलाते हुए देखा है। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? तो क्या ये लाल गाड़ी आपकी नहीं है? जी गाड़ी तो मेरी है, लेकिन 15 दिन हुई चोरी हो गई थी, कल ही वापस मिली है। ऐसे तो वो औरत चोर भी है? कौन सी औरत? Yes, boss. Good. तुमने तो सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी जगह तुम मुझे इस रूप में भी देखोगी। ये मेरा असली रूप है। आज तक मैं सिर्फ यही समझती थी कि तुम अपना रूप बदल बदल कर सिर्फ कमजोर औरतों को लूटते हो, मगर आज पता चला कि तुम मुल्क और कौम के गद्दार भी हो। सर्जन! मेरे दुश्मन को बचाकर मेरे आदमी को मारने वाली गंदी औरत, मैं तेरे गंदे बदन को ऐसी गंदी सजा दूंगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने तो जिंदगी में सिर्फ एक भूल की है और आज तक पछता रही, मगर तुम्हारी तो सारी जिंदगी जुर्म गुनाह करते हुए कटी है। इस पिस्तौल में अभी 5 गोलियां और बाकी हैं। जी तो चाहता है कि सारी की सारी गोलियां तेरे नापाक सीने में उतार दूं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि इसका सहरा मेरे पति के सर क्यों न बंधे। वो भी तो तुझे ढूंढ रहे हैं। चल उधर, टेलीफोन की तरफ रिसीवर उठाओ। मैं कहती हूँ उठाओ रिसीवर, नंबर मिलाओ। हेलो,
मुझे कुमार साहब से बात करनी है। नहीं, मैं कुमार बोल रहा हूँ। समय आपको जिस मुजरिम की तलाश है वो इस वक्त चंदनपुर की घाटी में मौजूद है, हनुमान मंदिर से 2 मील आगे पूरब की तरफ गोल बंगले के पास। आपको शिकार भी मिल जाएगा और उसके साथी भी। लेकिन आप कौन है? मैं वही औरत बोल रही हूँ जिसने आपकी जान बचाई थी। आपका नाम? फजूल बातों में वक्त जाया मत कीजिए कुमार साहब, पूरी फोर्स के साथ फौरन चले आइए। हेलो हेलो ऑपरेटर, गिव मी द हेडक्वार्टर्स अर्जेंट। बस थोड़ी देर और, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। तूने कुमार को यहाँ बुलाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है, अब देख मैं क्या करता हूँ। हेलो, मैं मोहन बोल रहा हूँ। यस सर। भाई एक बहुत बुरी खबर है, किरण का एक्सीडेंट हो गया है। हालत बहुत नाजुक है। क्या? बेहोशी में भी वो बार बार तुम्हारा नाम ले रही है। तुम फौरन सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल पहुंच जाओ। मैं भी आया सर। जरूरी फोन है। किसका? नाम नहीं बताया साहब। हेलो, क्या आप मिस्टर कुमार बोल रहे हैं? जी हाँ, आप कौन साहब? वही जिसके लिए आप इतनी बड़ी बारात लेकर निकल रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि इस वक्त आपका इकलौता बेटा प्रकाश मेरे कब्जे में है। क्या कहा? प्रकाश तुम्हारे कब्जे में? मेरा ख्याल है आपको अपने बेटे से बहुत प्यार है। फर्ज प्यारा है या बेटा, फैसला आप पर छोड़ता हूँ। यू बास्टर्ड, मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा कुमार साहब, एक बात कह रहा हूँ प्यार से। अगर आपने मेरी बात न मानी तो आप अपने इकलौते बेटे की जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। हेलो हेलो हेलो, सर आप चलो। माफ करना प्रकाश, मुझे गलत तरीके से तुम्हें यहाँ बुलवाना पड़ा, लेकिन इसका जिम्मेदार मैं नहीं, ये औरत है। जानते हो इसे? ये तुम्हारी माँ है। बड़ी बदजात औरत है ये, जिंदगी में इसने आज तक किसी से वफा नहीं की। मुरारे, बेटे के सामने इस बेशर्म औरत को ऐसी सजा दो कि शर्म भी शर्मा जाए। तुम्हारा असली रूप देखने चली आई भैया। मुझे आज पता चला कि मेरे भैया को औरत का नंगा बदन देखने का कितना शौक है। ये बेचारी तो खिलकर मुरझाने की उम्र में पहुंच चुकी है, मैं अभी जवान हूँ, मेरे बदन में इससे कहीं ज्यादा लोच है, लगा के सकती है। देखो मेरे भैया, आइए कुमार साहब आइए।
मुझे सिर्फ आप ही का इंतजार था। पहले जरा अपनी आदर्शवादी धर्म पत्नी से मिल लीजिए, जिसकी बेवकूफी ने आप जैसे देश के महान ऑफिसर को इतनी आसानी से मौत के करीब पहुंचा दिया। ना 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 ना, प्यार से पहले जरा मनोरंजन हो जाए। सबसे पहले मुझे मार डालिए, लेकिन भगवान के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, दुनिया का कोई बेटा ये देख नहीं सकता। प्लीज प्लीज, तुम्हें ये सब कुछ देखना पड़ेगा। तुम भी तो अपनी मां की तरह एहसान फरामोश हो, जो अपने मालिक की बहन के साथ प्यार का नाटक खेल रहे थे। पकड़ लो इस आस्तीन के सांप को, नाटक शुरू करो। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, नहीं, नहीं। मिस्टर मोहन, मैं जानता हूं कि आप मेरी आदर्शवादी धर्म पत्नी को मार डालेंगे, मेरे बच्चे को मार डालेंगे, मुझे मार डालेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि कातिल को भी फांसी देने से पहले पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। क्या चाहते हैं आप? मैं इस नागिन से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता हूं। 17 साल से मेरे दिल में जो नफरत की आग भड़क रही है, मैं आज उसे ठंडा करना चाहता हूं। मुझे कोई एतराज नहीं पिताजी। थैंक यू मिस्टर मोहन। आग तो उठाकर देख, शर्म आ रही है। डैडी खबरदार, अगर आपने हाथ उठाया तो। सर,
साहब। तेरा असली रूप और तू जीरो जी, तुम दोनों साथ रहे मरते वक्त भी तुम दोनों साथ ही रहोगे। जिंदगी खून बहाने के सिवा क्या ही क्या है? तूने दौलत के सहारा लेकर प्यार खरीदने की कोशिश की, लेकिन जब तुझे प्यार न मिला तो तुमने प्यार करने वालों का खून बहा दिया। तेरे लिए इस दुनिया में नफरत के सिवा कुछ भी नहीं। मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ, नफरत, नफरत, नफरत। मरने से पहले तुम्हें कुछ और भी कहना है? चला गोली, जितनी गोलियां चलाना है चला ले। मोहब्बत नफरत को मिटा सकती है, लेकिन नफरत नफरत मोहब्बत को कभी नहीं मिटा सकती। मान कुमार साहब, जहां मैंने इतने जुर्म किए हैं वहां सिर्फ मुझे एक और जुर्म करने की इजाजत दे दीजिए। बेवफा औरत अपने यार के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही थी, मुझे, मैं इससे बदला लेना चाहता हूँ, बदला लेना चाहता हूँ। जिंदगी भर यही खेल तो तुम भी खेलते रहे हो। तुम्हारी हवस ने कितनी सुहागनों को वैश्या बनाया, कितनी दुल्हनों को कलंकिनी बनाया, कितने घरों का सुख चैन छीना। याद है तुमने मेरा घर उजाड़ा, और आज जब तुम्हारे प्यार ने तुम्हें धोखा दिया तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। मोहन, कुदरत का कानून है और दुनिया का उसूल है कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। बेचारी का क्या होगा? मोहन, कानून के लंबे हाथ जो तुम जैसे मुजरिम को पकड़ सकते हैं, वो किरण जैसी बेटी को सहारा भी दे सकते हैं। इंस्पेक्टर ठेकेन, बेटी नफरत खत्म हो गई, आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी प्यार से। मेरे यार दिलदार, जो न होता तेरा प्यार, हो बहक रहे होते जाने जा।